स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हम USD INR को किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, और आने वाले समय के लिए इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि इन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, यह NJ1 का एप्लीकेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे NJ1 के वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे सॉरी एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक इंस्टाट्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंस्टाट्रेड जो होता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी शानदार टूल है, क्योंकि हम एक ही विंडो से सारे काम कर सकते हैं। ऑर्डर लगाना, ऑर्डर को स्क्रैप करना, अपना P&L देखना, आप सेम विंडो पे सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं F&O के लिए इंस्टाट्रेड का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप USD INR या निफ्टी बैंक निफ्टी, आप जो भी जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, आप उसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास मार्केट वॉच तो ऊपर ही बन जाती है, साथ ही आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको बाय एंड सेल की बटन देखने को मिल जाएंगी। एक बार पोजिशन बनाने के बाद आपका P&L आपको सेम विंडो पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर को एक मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ USD INR में कि हम USD INR को किस प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे USD INR जो लगा के रखा है, ये 8 सितंबर का लगा के रखा है। अब जो USD INR जो इस समय ट्रेड कर रहा है, ये कर रहा है 82.73 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बनता है, तो जो यहाँ पे जो बोलिंजर बैंड का एक मिडिल बैंड है जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो इस समय निकल के आता है यहाँ पे 82.85 का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, कि यहाँ तक एक रेजिस्टेंस ये ले सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है जो 82.90 के आसपास का बनता है, तो यहाँ तक के हमें USD INR में तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। और इसके बाद जो अगला लेवल बनता है, ये बनता है 83 का बनता है, और 83 के बाद 83.10 के आसपास का हमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मूवमेंट तभी आएगा जब हमें 82.90 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेंगी। और अगर मान लो कि USD INR जो है ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, 82.85 के आसपास का ये रेजिस्टेंस बना लेता है, तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर मान लो नीचे आता है, तो नीचे के लिए जो इसके सपोर्ट बनता है ये 82.75 से लेके 82.5 तक का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि हमें USD INR में गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। अब USD INR में पोजीशन बनाना है तो इसका एक फ्यूचर बाय करने के लिए हमें कितना अमाउंट लगता है, उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पे हम बाय बटन पे क्लिक करते हैं। अगर लगता है कि तेजी आएगी तो ही बाय करना है, और अगर लगता है कि गिरावट आएंगी तो ही हमें यहाँ पे सेल करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बाय की पोजीशन बनाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो बाय बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने का नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना है, मैं यहाँ पे सिंगल लॉट मेंशन करता हूँ। एक लॉट में USD INR अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगता है। अब USD INR में अगर हम यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका प्रीमियम चल रहा है 82.73, और यहाँ पे मार्जिन लग रहा है 1721, मतलब कि हमें USD INR में काम करने के लिए काफ़ी मार्जिन मिल जाता है। और USD INR का जो पीरियड है, मतलब कि मार्केट की जो टाइमिंग है, ये 9 AM से लेके 5 PM तक के मार्केट इसका ओपन होता है। अभी इसका मार्केट चल रहा है, और जैसे कि अगर हमें यहाँ पे इसको लगता है कि प्राइस हमें कुछ नीचे लेना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसका प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 70 पे अगर इसको लेना चाहते हैं तो 70 कर देते हैं, और यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 लॉट लेना है तो 10 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है 17,211 रुपीज़ का। चार्जेस चेक कर सकते हैं और यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करते हैं, कंफर्म ऑर्डर पर प्लेस करते हैं, और हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो दोस्तों इतना ईजी, इतना आसान हो जाता है NJ1 एप्लीकेशन की सहायता से किसी भी चार्ट का, स्टॉक का, ऑप्शन का, करेंसी का प्रेडिक्शन करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट ओपन करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।